नमस्ते भारत, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। 73 दिन बचे हैं चुनाव में और ऐसे में रोज सियासत में नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। अगले आधे घंटे हर खबर सियासत से जुड़ी हुई आप तक। मेरे साथ है मेरी सहयोगी कुमकुम बनवाल। नमस्ते भारत, मैं हूं आदर्श झा और अगले आधे घंटे में हर जरूरी और बड़ी खबर आपको हम बताएंगे। लेकिन आपको बता दें, सबसे पहले एक जरूरी सूचना कि एबीपी न्यूज एक फ्री टू एयर चैनल है और एबीपी न्यूज को अपने बेसिक पैक का हिस्सा बनाने के लिए आपको केवल अपने केबल ऑपरेटर या डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करना है और एबीपी न्यूज से जुड़कर लगातार सभी खबरों से अपडेट होते रहिए। आगे बढ़ेंगे। 73 दिन बचे हैं लोकसभा चुनाव में और कांग्रेस ने अपना तुरुप का पत्ता खोल दिया है। प्रियंका गांधी मैदान में है और बीजेपी के साथी भी अब कह रहे हैं कि प्रियंका में इंदिरा दिखती है। दिल्ली में सर्द मौसम के बीच राजनीतिक तूफान ने दस्तक दी है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को महासचिव बनाकर 2019 चुनाव के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी है, जहां पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखनाथ भी पड़ता है। कांग्रेस के इस फैसले को बीजेपी की सहयोगी शिवसेना भी मास्टर स्ट्रोक बता रही है। का अच्छा निर्णय है कांग्रेस अध्यक्ष, और इस देश की जनता ने हमेशा गांधी परिवार के साथ एक रिश्ता रखा है, चाहे चुनाव जीते या चुनाव हारे। इस देश में इंदिरा गांधी की विरासत हमेशा रहेगी। शिवसेना प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने कहा, जब वोटर आगामी लोकसभा चुनाव में वोट करने जाएगा तो उसे प्रियंका में इंदिरा गांधी की छवि नजर आएगी। कांग्रेस के लिए ये बड़ी बात है, कांग्रेस को इसका फायदा पहुँचेगा। प्रियंका गांधी की सियासत में एंट्री पर राहुल गांधी ने भी कुछ कहा है। बहन की सियासत पर एंट्री पर राहुल कह रहे हैं कि अब खूब मजा आएगा। 2019 चुनाव से पहले प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी है, तो इस फैसले के पीछे मास्टरमाइंड राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में कह दिया है कि अब मजा आएगा। मुझे काफी खुशी हो रही है कि मेरी बहन जो बहुत केपेबल कर्मठ है कि वो मेरे साथ अब काम करेगी, तो मुझे पर्सनल भी बहुत खुशी हो रही है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं मजा आएगा, लेकिन कोई है जिसने इशारों में निशाना साधा गांधी परिवार पर। प्रियंका की राजनीति में एंट्री पर प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में हमला बोला। हमारी पार्टी में कोई भी निर्णय इस बात से नहीं होते हैं कि एक व्यक्ति या एक परिवार का इस विषय में उसका क्या इच्छा है या क्या चाहता है, बल्कि हमारे यहां निर्णय इस बात से होते हैं कि कार्यकर्ता क्या चाहता है। और इसलिए कहा जाता है कि देश में ज्यादातर केसेस में परिवार ही पार्टी है, लेकिन भाजपा में पार्टी ही हमारा परिवार है। देखिए, भले ही मंच पर पीएम मोदी ने इशारों में निशाना साध लिया हो प्रियंका गांधी पर, लेकिन प्रियंका की राजनीति में एंट्री ने विरोधियों में कैसे खलबली मचा दी है वो भी आपको दिखाते हैं। प्रियंका गांधी की सियासी एंट्री ने विरोधी खेमे में हलचल मचा दी है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के इस फैसले को राहुल गांधी की हार बताया। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ही परिवार है और वहीं कांग्रेस पार्टी में परिवार ही पार्टी है। सार्वजनिक रूप से आज उन्होंने घोषणा कर दिया कि राहुल नाकाम रहे हैं और इसलिए राहुल गांधी जी को बैसाखी की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं बीजेपी की सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आठवले ने कांग्रेस के इस फैसले से ज्यादा फर्क न पड़ने की बात कही। ये मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी जैसी डैशिंग नहीं है, दिखने के लिए इंदिरा गांधी जैसी है। यूपी के अलीगढ़ में एक कार्यक्रम में शिरकत करने गए योग गुरु बाबा रामदेव ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया, लेकिन दो टूक बीजेपी को चेता भी दिया। ठीक है, सब लोगों में ताकत की आजमाइश हो रही है और देखो जंग में जब भी कोई चाहे राजनीति की जंग हो चाहे कुश्ती की जंग हो, अखाड़े में पहलवान मजबूत होते हैं तो मजा आता है। जहां एक ओर बीजेपी कांग्रेस के इस फैसले को राहुल गांधी का फेल होना बता रही है, तो जेडीयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने इसे भारतीय राजनीति में सबसे लंबा इंतजार बताया। प्रियंका जी आती हैं राजनीति में और कांग्रेस का चेहरा बनती हैं यूपी में, तो उससे कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा फायदा यूपी में हो सकता है। तो प्रियंका के पॉलिटिक्स में आने पर विरोधियों में हलचल है, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह।
जिस पूर्वी यूपी की कमान प्रियंका को सौंपी गई है, अब वहां का गणित भी देख लीजिए। कांग्रेस ने पूर्वी यूपी में प्रियंका को जिम्मेदारी दी है, जहां पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, सीएम योगी का गढ़ गोरखपुर भी पड़ता है। ऐसे में प्रियंका गांधी के लिए राह इतनी आसान नहीं होगी। आखिर क्यों पूर्वी यूपी में कांग्रेस ने प्रियंका को कमान सौंपी है? क्या है वहां के सियासी समीकरण? पूर्वी यूपी में कुल 21 जिले हैं। पूर्वी यूपी में विधानसभा की 130 सीटें हैं। पूर्वी यूपी में लोकसभा की 26 सीट है। आबादी के लिहाज से पूर्वी यूपी में बुनकर, मुसलमान, ब्राह्मण, दलित और पिछड़ों की संख्या काफी है। देखा आपने, हर रोज हमारा एक काउंटडाउन आपको बता रहा है कि कैसे राजनीतिक सरगर्मियां आगे और तेज होंगी। इधर कांग्रेस भले ही प्रियंका को आगे कर मजबूत दिख रही हो, लेकिन विपक्ष का महागठबंधन तो अब भी हिचकोले खा रहा है। प्रियंका गांधी की सियासी एंट्री के बीच कल महागठबंधन को लेकर भी हलचल तेज रही। विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने वाली ममता बनर्जी पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने बड़ा आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी दल है, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती कि केंद्र में अब कांग्रेस की सरकार होने वाली है, केंद्र में अब कांग्रेस का प्रधानमंत्री होने वाला है। तो वहीं तेलंगाना में एक साथ चुनाव लड़े कांग्रेस और टीडीपी की राह जुदा हो गई है। कांग्रेस महासचिव ओमान चांडी ने ऐलान कर दिया है कि आंध्र प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी अकेले ताल ठोकेगी। वहीं दिल्ली में वक्फ बोर्ड के कार्यक्रम में विधायक अमानतुल्ला खान ने केजरीवाल की मौजूदगी में बड़ा बयान दे दिया। अमानतुल्ला ने चुनाव के बाद कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही। और अब देखिए, बीजेपी के बयानवीर हैं जो थकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें, मायावती पर अभद्र टिप्पणियों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। बीजेपी नेताओं की तरफ से विवादित टिप्पणी थम नहीं रही है। विधायक साधना सिंह के बाद यूपी में बलिया के बैरैया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने मायावती पर अभद्र टिप्पणी कर दी है और साधना सिंह के बयान का समर्थन भी किया। उस स्वभाव को वर्णन किया कि स्वभाव है उसका, भाई उसका दुकान बंद हो गया था, उसका दुकान बंद हो गया था। बसपा डंक मारने वाली बिच्छू है तो सपा जो है विष छोड़ने वाला सांप है। बीजेपी के सांसद भी बयानबाजी में विधायकों से पीछे नहीं है। आगरा से सांसद रामशंकर कठेरिया ने मायावती को दलितों का सौदागर और धोखेबाज बताया। जनता पार्टी ने मायावती को इस उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन एक बार नहीं दो बार बनाया, फिर भी उसने धोखा दिया। मायावती तो सही मायने में दलितों की सौदागर के रूप में अभी तक रही है। नमस्ते भारत में हमारी कोशिश होती है हर तरह की खबर आपके सामने रखें। सीबीआई के अंदर देखिए कितना विवाद हुआ था पिछले कुछ दिनों, अब इसको लेकर सरकार एक्शन में है। आखिरकार नई सीबीआई चीफ पर आज प्रधानमंत्री बैठक लेंगे। आलोक वर्मा को हटाए जाने के बाद आज नए सीबीआई चीफ की नियुक्ति के लिए माथापच्ची होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीबीआई चयन समिति की बैठक होगी। बैठक शाम 6 बजे पीएम आवास पर होनी है। इस बैठक में देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक कुल 5 नाम सिलेक्ट कमेटी के सामने रखे जाएंगे। सीबीआई चीफ की दौड़ में कौन कौन है देखिए। 1983 बैच की रीना मित्रा अभी गृह मंत्रालय में विशेष सचिव है। 1984 बैच के राजेश रंजन अभी डीजी सीआईएसएफ है। 1984 बैच के वाईसी मोदी डीजी एनआईए हैं। 1984 बैच के रजनीकांत मिश्रा डीजी बीएसएफ हैं। 1985 बैच के सुबोध कुमार जायसवाल अभी मुंबई पुलिस में चीफ हैं। सूत्रों के मुताबिक दूध की जली सरकार इस बार छाछ को भी फूक फूक कर पी रही है। सरकार चाहती है कि सीबीआई का नया चीफ ऐसा शख्स हो जिसकी छवि विवादास्पद ना हो और जो सीबीआई की शाख को एक बार फिर नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। यही कारण है कि जो नाम पैनल में शामिल है, अचानक उसमें कोई छुपा स्तंभ भी शामिल हो सकता है और सीबीआई का नया डायरेक्टर बन सकता है।
तो देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो सेलेक्ट कमेटी आलोक वर्मा के आने पर एकमत नहीं हो पाई और ट्रांसफर पर एकमत नहीं हो पाई, अब उसको एक नया सीबीआई चीफ चुनना है। कैसे होंगे एकमत, ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ेंगे। इस बार पीयूष गोयल बजट पेश कर सकते हैं, क्यों देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार का अंतिम बजट पीयूष गोयल पेश करते दिख सकते हैं। बीमारी के चलते इलाज के लिए विदेश गए अरुण जेटली की जगह सरकार ने पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति भवन से जारी अधिसूचना में इस बात की जानकारी दी गई है। जब तक अरुण जेटली वापस नहीं आ जाते और किसी मंत्रालय का कार्यभार नहीं संभालते, तब तक वो बिना मंत्रालय के मंत्री बने रहेंगे। खराब तबीयत से जूझ रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली को न्यूयॉर्क में डॉक्टरों ने 2 हफ्ते आराम की सलाह दी है। तो अपने देश के प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई कई दिलचस्प बातें सभी लोग जानना चाहते हैं। कैसे कटा प्रधानमंत्री मोदी का बचपन, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन मोदी के जीवन का एक और खुलासा हुआ है। देखिए ये दिलचस्प खबर। ब्लॉग साइट ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के फेसबुक पेज पर पीएम मोदी के निजी जीवन की कुछ यादों को शेयर किया गया है। इसमें पीएम मोदी ने कहा है, ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा कि मैं दिवाली के 5 दिनों के लिए कहीं जंगल में चला जाता था, एक ऐसी जगह जहां केवल साफ पानी हो और इंसान नहीं होते थे। मैं उन 5 दिनों के लिए पर्याप्त खाने की चीजें भी ले जाता था। वहां कोई रेडियो या अखबार नहीं होता था और उस समय टीवी और इंटरनेट नहीं था। अकेले में बिताया गया वो समय अब भी जीवन और उसके तमाम अनुभवों के साथ तालमेल बनाने की ताकत देता है। लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि आप किससे मिलने के लिए जा रहे हो, तो मेरा जवाब होता था कि मैं मुझसे मिलने जा रहा हूँ। और अब एक ऐसी खबर जिसने खुफिया एजेंसियों के हाथ पांव फुला दिए। देश में केमिकल अटैक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस ने खुलासा किया है कि केमिकल अटैक की फिराक में थे ये आरोपी और इनके तार आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हो सकते हैं। महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने 2 दिन पहले औरंगाबाद और ठाणे से इन 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। परसों देर रात हुई छापेमारी में इनके कब्जे से एसिड, केमिकल पाउडर और धारदार हथियार मिले थे। कल इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। एटीएस ने दावा किया है कि ये सभी बेंगलुरु के संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य हैं और आईएस मॉड्यूल पर काम कर रहे थे। पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है। बात अगर उत्तराखंड की करें तो यहाँ पर भारी बर्फ ने मुसीबत बढ़ा दी है। तमाम टूरिस्ट लंबी लंबी लाइनों में फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में बर्फबारी के बीच गाड़ियों की लंबी लाइनें, घंटों से फंसे हैं पर्यटक। तस्वीरें उत्तराखंड के धनौल्टी की हैं। पिछले 2 दिन से हो रही भारी बर्फबारी ने पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। टिहरी के पास धनौल्टी में भारी बर्फबारी से यातायात में बाधा आ रही है और आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। धुआंकोट भौन मोटर मार्ग भी ठप हो गया है। गंगोत्री हाईवे भटवाड़ी से ऊपर से बंद है तो यमुनोत्री हाईवे राड़ी समेत कई जगह बर्फबारी से बंद हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक धनौल्टी सहित कई जगह फंसे हुए हैं। धुमाकोट में जिला पुलिस और एसडीआरएफ की टीम सड़कों से खुद ही बर्फ हटवाने में लगी हुई है। 6 साल बाद ऐसी बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी के चलते स्कूल में छुट्टी घोषित की गई है। और अब देखिए सियासत का सियासत। जिस किसान के हित की बात करके कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता में आई, वही किसान बदहाल है। देखिए, जय जवान, जय किसान। सड़क पर नारेबाजी करते किसान, धरने पर बैठे किसान, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों के गुस्से की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर की हैं। गुस्सा किसान की मौत को लेकर है, जिसके बाद इन किसानों ने हंगामा किया और नेशनल हाईवे 26 जाम कर दिया। मृतक किसान ने कर्ज की सूची में अपना नाम देखा तो घबरा गया और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। दरअसल मुकुंदी अहरीवार ने कर्ज लिया ही नहीं था और फिर सूची में उसका नाम था। उसके नाम पर लाखों रुपए बकाया दिखाया गया था। तो सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, किसान का हाल बदहाल ही नजर आता है और ऐसा एमपी में भी दिखाई दे रहा है। फिर से वही सब कुछ हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की। कंगना ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में करणी सेना से माफी मांगने वाली नहीं है। कंगना रनौत, माफी मांगो।
मुंबई में कंगना रनौत के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे ये करणी सेना के कार्यकर्ता हैं। हाल ही में कंगना ने करणी सेना को तबाह करने की धमकी दी थी, जिसके बाद से करणी सेना कंगना से माफी मंगवाने पर अड़ी है। लेकिन माफी मांगने के बजाय कंगना ने एक बार फिर करणी सेना पर ऐसा बयान दे दिया है जिसने करणी सेना के गुस्से को और भड़का दिया है। कंगना से इस बारे में पूछा गया तो कंगना ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। नहीं, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। माफी मैं कभी किसी चीज के लिए नहीं मांगती जिसमें कोई गलती है नहीं। और ये फालतू का ईगो इशू मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को सॉरी वॉरी कहने के लिए नहीं हूँ। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।